नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कृषि बिलों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग हुए बीकेयू नेता भूपिंदर सिंह मान। हमारी दूसरी खबर महाराष्ट्र से। किसान संगठनों का कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान। हमारी तीसरी और आखिरी खबर, दिल्ली में कोविड टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं कृषि बिलों से। इन बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई 4 सदस्यीय समिति से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद के समिति से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वे किसानों की भावनाओं को समझते हैं और किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं, इसलिए वह कोर्ट की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इससे खुद को अलग करते हैं। समिति के गठन के बाद ही समिति के अध्यक्षों पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि चारों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक हैं। हालांकि किसान पहले ही कोर्ट की इस समिति को खारिज कर चुका है और कह चुके हैं जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कल मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर देश और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारी किसानों ने इस बिलों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। इस खबर पर हम और नजर डालेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। आज हमें यहाँ लोहड़ी घर से दूर मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें अफसोस नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लोहड़ी के इस आग में भी हमने वही जो काले कानून है किसान विरोधी वही जलाए हैं, इसलिए हमें यहाँ इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम घर से दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कानून रद्द करवाने के लिए आए हैं। उसके लिए हम डटे रहेंगे, जितना समय भी लगेगा उस हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे हमें यहाँ पर बैसाखी भी मनानी पड़ जाए। हाँ जी, जी आप अज काली लोहड़ी मनाई है, ये साढ़े जी जथेबंदियों वालों एक अपील सी जी असी लोहड़ी एक काली लोहड़ी मनानी है, क्योंकि जोड़ा किसान है वह अपना घर बार सारा कुछ छड़ के सड़कों पर असी बैठे अपने हक लैन वास्ते, क्योंकि साढ़ा राइट है तो हक लैना कोई गुनाह नहीं है। मोदी को हजे तक यह जानी कि गल जी सा स्पष्ट नहीं हो रही, इस करके जी असी ये काली अपना लोहड़ी मनाई है। साड़ी जो भी चीज है ना साड़ी जमीन दे नाल ही जट दी जमीन, जे सियाणियां दे जट दी जमीन, जे जमीन है तो अही जट हाँ किसान, जे नहीं तो अही बिल्कुल कोई शय नहीं है। जिहड़ा मोदी दे दिल दे विच इह शंका कढ देवे भी इत्थों चले जाणगे ना ही इत्थों वापस जाइए, जिन्ना चिर साडा मोर्चा फतेह नहीं हुंदा। ये जो कमेटी बनाई है ना सरकार ने, ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये उन्हीं लोगों की कमेटी है जो लोग पहले भी हमारे आंदोलन को ये बोलते थे कि ये किसान नहीं है, किसान हम हैं, और ये वो लोग हैं कमेटी वाले, इसलिए हम ये कमेटी को हमारे संयुक्त मोर्चे ने रद्द कर दिया है। ये कमेटी के पास हम ना जाने जाएंगे, ना हमें इस कमेटी से कोई उम्मीद है। तो साढ़े उधर पिंडा दे विच पूरी तैयारी है, लगभग नहीं तो साड़ी 1000 के करीब साड़ी जी ट्राली है उधरों आनी है श्री आनंदपुर साहब तो। असी लोगों को बहुत लाहेबंद किया इस करके, क्योंकि जी 26 तरीक की उत्थे परेड है वह आप बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके दे नाल जिवें अपने साड़ी जथेबंदियों का हुक्म होना है असी उन्होंने हिसाब न चलना है, तो उन्होंने नाल ही आप जी अगवाई साड़ी जथेबंदी कर रही है उन्होंने नाल ही आप जो भी करना उन्होंने नाल ही करना है। किसान के लिए मोदी के पास उसकी बात सुनने के लिए कोई समय नहीं है। जो किसान नहीं मांग रहा वो किसान के ऊपर थोप रहा है, जो किसान मांग रहा था उससे ये भाग गया। इसने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, जिससे कि किसान की आय थी जो डबल दुगनी हो सकती थी, जिससे किसान खुशहाल हो सकता था। इसने अपने चोन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं सबसे पहले आके किसान के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करूंगा और पूरे हर किसान का कर्जा पहले बैठते ही माफ करूंगा, लेकिन ये वो बातों से भाग गया जो हमने नहीं मांगा था, जिसकी हमें नहीं जरूरत थी। बड़े घराने वास्ते ये कर रहे हैं जो कर रहे ने, एक जिमीदार वास्ते बिल्कुल जिमीदार दे उल्टो आ जिहड़ा कानून आ, असी अज इस करके जलाए ने बे सानू ये फिट नहीं है, सानू ये कानून नहीं चाहिए,
इन्हें वापस होने चाहिए है। अपनी अगली खबर में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सैकड़ों किसानों ने मकर संक्रांति के अवसर पर सरकार द्वारा लाए गए कृषि और श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में 100 किसान संगठनों ने मिलकर राज्य के 35 जिलों में अपना विरोध दर्ज किया। राज्य के अहमदनगर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई अजीत धावले और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने की। धावले ने न्यूज क्लिक से बात करते हुए कहा कि अब किसानों और मजदूरों ने मोदी सरकार और घोर पूंजीवादियों के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। किसान और मजदूरों के शांतिप्रिय तबके में हमने पहले इस तरह का गुस्सा कभी नहीं देखा था। ये एकता सरकार को जरूर कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर देगी। मुंबई के ठाणे में जन आंदोलन संघर्ष समिति ने आंदोलन की अगुवाई करते हुए बिल की प्रतियां जलाई। वहीं पुणे में किसान बाग आंदोलन दिसंबर 8 से ही चल रहा है। यहां भी किसानों ने बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन संगठनों ने निश्चय किया कि उनके सदस्य गांव में घर घर जाकर लोगों को इन मोदी सरकार के इन मजदूर और किसान विरोधी कानूनों के बारे में बताएंगे और जागरूक करेंगे। इसी दौरान वो अपने कैंपेन बाय बाय जियो के माध्यम से लोगों से अंबानी और अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के बहिष्कार की भी अपील करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसके टीकाकरण की शुरुआत देश के विभिन्न हिस्सों में 16 जनवरी से हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोवैक्सीन के पहले चरण के टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। शुरू के चरण में टीकाकरण का काम 81 सेंटर से शुरू किया जाएगा, जिनको अगले कुछ समय में 1000 तक करने की तैयारी चल रही है। एक सेंटर में एक दिन में 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने टीकाकरण को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। टीकाकरण का काम हफ्ते 4 दिन में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगी। किसानों के सवालों को सरकार ने अगर लोकतांत्रिक ढंग से संबोधित किया होता तो आज आंदोलन इतना लंबा नहीं खींचता। मामला अब सर्वोच्च अदालत में गया तो वहां से भी मसले का समाधान होने के बजाय वह और उलझता नजर आ रहा है। 4 सदस्यीय कमेटी तो बन गई हैं, लेकिन किसान आंदोलनकारियों ने कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों को सरकारी पक्ष का समर्थक बताकर उसके समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। इस तरह की समिति का क्या कोई उपयोगिता होगी? क्या होगा 26 जनवरी तक? सरकार अपना कठोर रवैया छोड़ेगी या बनाए रखेगी? इसका एक विश्लेषण कर रहे हैं हम वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के साथ। क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत जो कमेटी बनी है उसको उसमें जाने से ही इनकार कर दिया है, तो पहला जो एक, 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 एक जो नतीजा सामने आया है इस तरह के न्याय का, वो बहुत दुखदाई है। वो मैं निजी तौर पे एक भारत के नागरिक की के तौर पे माननीय कोर्ट के मान किसी भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या इवन लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के आदेशों को अगर कोई भी समाज, कोई भी समूह जो है कोऑपरेट नहीं करता है तो ये दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। लेकिन ये क्यों, ये जो क्यों है ये बहुत बड़ा क्यों है, और इसे अगर आप लॉर्ड हिवर्ट और प्रोफेसर अमर सेन की बातों की रोशनी में देखें तो मैं समझता हूं कि इसे समझना, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। तो दोस्तों अब 26 जनवरी आ रही है और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली का उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए, जो बातें कही गई, खासकर उनके जो न्यायिक प्रतिनिधि थे कोर्ट में, अब इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी और उपद्रवी आतंकवादी उग्रवादी तमाम तरह की शक्तियों के षड्यंत्र के जैसे ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग बोर्ड बन गए हैं और ऐसा लगता है कि उनको इस्तेमाल कोई कर रहा है, या ये भी कि उसमें इनफिल्ट्रेट कर गए हैं लोग। जो शुरू में कहा गया था उनको पहले भी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज, न जाने किनकी किनका किनका एजेंट कह दिया गया था, लेकिन जब व्यापक आंदोलन की गोलबंदी पूरे देश में दिखाई पड़ने लगी, उनके समर्थन में कर्नाटक, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, हर जगह जब इस तरह के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे तो थोड़ी सी ये चीजें रुक गई।
अब जब से उन्होंने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो निकलेंगे, वो ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के फिर परेड करेंगे, तब से अब इस बार कोर्ट में भी ये बात आ गई। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदे एक याचिका भी दायर कर दी गई है। क्यों? कि वो कुछ ना कर सके। दोस्तों, हमारा ये मानना है, बहुत विनम्र ढंग से अपनी बात मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से आवाम के किसी भी हिस्से को अपनी बात रखने से, अपने एक्शन को अंजाम देने से जबरन कोई रोकता है, जबरन अगर रोकने की कोशिश होती है, तो अंततः किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ताकत के बल पर आवाम के किसी हिस्से को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसकी चेतना को, उसके अंदर की भावना को रौंदा नहीं जा सकता है। सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों से संवाद कायम किया जाए। यह हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये नहीं प्रश्न है कि सरकार हार जाएगी अगर उनकी कुछ बातें मान ले, और किसानों के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे, एकोमोडेट कर लेंगे चीजों को तो वो कमजोर हो जाएंगे या क्रांतिकारी वो नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा बस यही कहना है कि 26 जनवरी से पहले सरकार को अपने रुख में, अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं जाना चाहिए कि हम किसान आंदोलन की इन मांगों को स्वीकार करने को तैयार हैं और कमेटी के पुनर्गठन की अगर कोई बात है तो उस पर भी तैयार हैं। अगर स्वयं सरकार ये बात कह देती है तो मैं समझता हूं कि बहुत खुशनुमा एक माहौल बनेगा और इससे किसान आंदोलन और सरकार के बीच में संवाद की, एक वास्तविक संवाद की स्थिति बनेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।